हेलो फ्रेंड्स, शीला किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सहजन की सब्ज़ी तो सभी लोग बनाते हैं और चलिए देख लेते हैं मैं कैसे अपने किचन में बनाती हूँ सहजन की सब्ज़ी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देर ना करते हुए चलिए देख लेते हैं ये सब्ज़ी कैसे बनाई हूँ। सहजन की सब्ज़ी बनाने के लिए देखिए सहजन लिया है 3 पाव, और ये कितनी ताज़ी सहजन है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम एक सहजन उठाकर इसका पीसेस काटेंगे, देखिए इस तरीके से। सभी लोग सहजन बनाते हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, और मैं अपने किचन में देखिए कैसे बना रही हूँ सहजन। इस तरीके से हम छील लेंगे सहजन को। और ताज़ा ताज़ा रहता है सहजन तो ये बहुत जल्दी छीला जाता है, और ये ताज़ा नहीं रहता है तो नहीं छीलता है जल्दी से। और आप देख सकते हैं मैंने छील लिया है और बाकी सारे पीसेस कर लिया है सहजन को, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने सहजन छील लिया है, देखिए आप देख सकते हैं। और चलिए इसे हम धो लेते हैं। इसे अच्छे से धोकर हम लेंगे। यहाँ पर देखिए धो लिया है और यहाँ पर कढ़ाई रख दिया है, और ऑयल डालकर मैं ऑयल को गर्म करूँगी। उसके बाद देखिए सरसों डालूँगी सबसे पहले। देखिए ऑयल गर्म हो गया है, यहाँ पर सरसों डाला है और लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च। और यहाँ पर चटकने देते हैं सरसों के। और यहाँ पर हम सहजन डाल देंगे तड़के के अंदर। और इसे ढक देते हैं और चलिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए चला लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नमक डालूँगी और तेज़पात। नमक और तेज़पात एक साथ डाला है मैंने। और यहाँ पर मैंने मसाला तैयार कर लिया है, देखिए टमाटर, 2 टमाटर है ये, और ये प्याज है, जीरा, अदरक, लहसुन का पेस्ट है। और यहाँ पर मैं दही लिया है, 4 चम्मच दही डाला है इसके अंदर मसाले में। और दही को मिला लेंगे। और यहाँ पर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, और 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। हमें तीखा बनाना है, तीखा बहुत अच्छा लगता है। और ये धनिया पाउडर 1 चम्मच। और यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे अच्छे से। और दही ऐसे डालेंगे तो फट जाता है दही तड़ी के अंदर, इसीलिए हम मसाले में ही मिला लेते हैं। इसे कोई फटने का डर नहीं रहता है दही से। और यहाँ पर हम मसाले को डाल देंगे सहजन में और मिला लेंगे अच्छे से। और टमाटर भी, टमाटर पेस्ट भी डाल देते हैं इसी में। और यहाँ पर हम मिलाएंगे अच्छे से। और इसे ढक देते हैं, ढक्कन हटा के सब्जी को एक बार और चला लेते हैं। और इसका लुक देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर हम मसाला बहुत अच्छा से पकाएंगे, और मसाला और सहजन एक साथ में ही पक जाएगा बढ़िया से। और यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मसाले को पका लेंगे। और इसे ढक देते हैं 5 मिनट के लिए एक बार और। और ये 5 मिनट हो गया है, अब देखिए इसका लुक, कलर ही चेंज हो गया है बिल्कुल ग्रेवी का। और यहाँ पर मसाला मेरा पूरी तरीके से पक गया है, आप देख सकते हैं। अगर मसाला कांचा रह गया तो सारा टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा सब्ज़ी में, इसीलिए हम मसाले को बहुत अच्छा से पकाएंगे। और मैंने पका लिया है। और यहाँ पर मैं पानी डालूँगी 2 गिलास। और अपना पसंद से ग्रेवी रखिए, मोटा या पतला। और यहाँ पर मैं 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा दूँगी, उसके बाद दिखाती हूँ।
चलिए सब्जी को हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए इसका लुक कितना कलर चेंज हो गया है सब्ज़ी में, और बहुत ही यम्मी सब्ज़ी बना है फ्रेंड्स। और यहाँ पर हम हरा धनिया पत्ता यहाँ पर गार्निश करेंगे। और फ्रेंड्स ये सहजन की सब्ज़ी का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर मिलेंगे आपसे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।